हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बैंक नोट प्रेस की तरफ से अपडेट। ये यूनिट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। यहां पे जॉब अपडेट आई है और आप में से कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, सैलरी वगैरह क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। वीडियो को एंड तक देखना अगर आप एलिजिबल हो, और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ लाइक जरूर से कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आपका कोई दोस्त जॉब फाइंड कर रहा है तो उसको हेल्प मिल जाएगी। नाउ डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले एक पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन पूरा एक बार अच्छे से सुन लेना। सुपरवाइजर की पोस्ट है इंक फैक्ट्री के अंदर, जिसके अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग, पेंट, डाई स्टफ, अगर आपने इन ब्रांचेस से डिप्लोमा किया है आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने बीबीटेक क्या है, हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग से इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है, भाई अगर आपने बीएससी इन केमिस्ट्री किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे बहुत सारा वो क्वेश्चन होगा कि भाई 12 प्लस बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइजर की आईटी के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट क्लास अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम चीज है, हायर क्वालिफिकेशन के अंदर बीबीटेक अगर आपने किया है देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज मांगा हुआ है। अगर आप इन ब्रांचेस में आते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। भाई कोई भी ब्रांच वाला, कोई भी फील्ड वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 55% इन्होंने मांगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में ये चीज रखी हुई है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर से करना। उसके बाद जो है इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा के अंदर वैकेंसी है, जिसके अंदर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे भी वही चीज है, भाई ग्रेजुएशन मांगा हुआ है 55% के साथ, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के अंदर इन्होंने प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटरियल जॉब यहां पे मांगी हुई है। और बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है रिक्वायरमेंट सेम है। यहां पे अगर बात करते हैं तो दो जगह पे वैकेंसी आई हुई है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट आपको दो बार दिखेगी, एक अलग लोकेशन है, दूसरा अलग लोकेशन है। उसके बाद यहां पे जूनियर टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है, जिसके अंदर मशीनिस्ट, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, भाई इन फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इन ब्रांचेस से आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये है कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के साथ। अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और अगर नहीं हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, बस लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो एलिजिबल है, जो अप्लाई करेंगे तो उनको हेल्प मिल जाएगी। यहां पे आपके लिए और भी कुछ है मेरे पास। एप्टीट्यूड 2.0 को मैंने लॉन्च किया रिसेंटली, जिसके अंदर पूरा एप्टीट्यूड कोर्स तो हम प्रोवाइड कर ही रहे, उसके साथ साथ हमने एप्टीट्यूड टेस्ट पैक, जिसके अंदर 100 मॉक टेस्ट है, उसको भी हमने इसके अंदर कंबाइन कर दिया है। और इसके अंदर और भी टॉपिक्स हम इंक्लूड करने वाले हैं, मतलब कि अभी वीडियो लेक्चर्स बढ़ जाएंगे, नए नए टॉपिक्स और नए नए एग्जांपल्स हम इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप यहां पे एनरोल करना चाहते हो, मैंने डिटेल में इसकी वीडियो बनाई, आप चेक कर सकते हो यहां पे क्लिक करके, और एनरोल करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको पूरा एप्टीट्यूड 2.0 का पैकेज, जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट पैक भी इंक्लूडेड है, ये अभी लॉन्च ऑफर में है, जिसके अंदर आपको ये सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया ऑफर है और इसको मिस मत करना। वापस से ये नहीं आएगी, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट पैक भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और 999 के ऑफर्स बहुत रेयरली आती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए, एक बार जरूर से चेक करना, और ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन 12th मई 2021 को शुरू हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 11th जून 2021 है, और टेंटेटिव इसकी जो एग्जाम के मंथ है वो जुलाई अगस्त 2021 है, वो इन्होंने बता दिए है। सो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। जी हां, यहां पे रिटन टेस्ट होने वाली है। अच्छी बात यह है कि यहां पे मार्किंग नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फाइनल ईयर वालों के लिए, आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि कंडीशन है जिसके लिए फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि आपका जो रिजल्ट है 11th जून से पहले आ गया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे अप्लाई करते टाइम हमें 2021 का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप में से हर कोई जो फाइनल ईयर में रिजल्ट आया नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दोगे और काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होगा।
आपकी अगर एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, 11 जून से पहले आपके हाथ में रिजल्ट है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहां पे सीबीटी होने वाली है, जिसके लिए इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए सीबीटी बताई है। जब सबसे पहले पोस्ट 1 से लेकर 3 के लिए इन्होंने सीबीटी बताई है, जिसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 200 क्वेश्चंस एंड 240 मार्क्स इन्होंने रखे हैं, और इसका ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स आपको मिल जाएगा। नव ये जो पोस्ट है 1 से 3 की पोस्ट है, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न इन्होंने दिया है। आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके अंदर है। तो हर एक एग्जाम में होता है, आपकी स्किल्स का शोकेस तभी आप कर सकते हो जब आपने यहाँ पे ये टेस्ट को क्वालिफाई किया है। लेकिन इससे उल्टा जो है वो 4 से 10 नंबर की पोस्ट में है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले स्किल टेस्ट देनी होगी 10 मिनट की। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तभी आप यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हो। क्लियरली इन्होंने कहा है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट। तो ये जो है उल्टा हो गया, सबसे पहले स्किल्स देखेंगे उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी होगी, लेकिन उसके अंदर भी एप्टीट्यूड तो पूछा ही है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, 160 क्वेश्चंस एंड 160 मार्क्स। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट्स का। सो आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ ही रहा है हर एक किसी के अंदर। उसके बाद जो है 5 to 8, मतलब कि जो आपकी टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, उसके अंदर भी यहाँ पे इन्होंने सेम पैटर्न रखी है, 40 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स वाली, सेम टाइम आपको मिलेगा। और पोस्ट नंबर 9 जो है, जिसके अंदर जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो यहाँ पे पोस्ट है, उसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी भी टेस्ट पैटर्न इन्होंने दी है, सेम है वही है, लेकिन उसके अंदर भी सबसे पहले स्किल टेस्ट देनी होगी, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वैसे स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर के, इसका कोई फाइनल सिलेक्शन से लेना देना नहीं है। तो ये है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कंडक्ट की जाएगी, यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ये इन्होंने बता दिया है। आपका सिलेक्शन जो है टेस्ट की मेरिट के बेसिस पे होगा। सो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका सीबीटी के बेसिस पे होगा, और हर एक सीबीटी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो है ही। अगर आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो एप्टीट्यूड के अंदर तो आप हमारे एप्टीट्यूड 2.0 में इंटरेस्ट ले सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है, हर एक रिटन टेस्ट एंड हर एक एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड 2.0 हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी BNP.SPMCIL, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए सीबीटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, आप बस क्वालिफाई होंगे, आपको टॉप जो है टॉप लिस्ट के अंदर आना होगा तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन ये मिनिमम परसेंटेज है, इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और एग्जाम लोकेशंस की अगर हम बात करें तो भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जबलपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, ये लोकेशंस है जहां पे आपकी यहां पे टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। ये टोटल 8 लोकेशंस इन्होंने पहले से दे दिए, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस एग्जाम का। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, जी हाँ एप्लीकेशन फीस है जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, वो है 600 रुपीज़ अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी कैंडिडेट हो, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे, तो एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज़्यादा है, आपको सोच समझ के अप्लाई करना होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई कंडीशन फाइनल ईयर वालों के लिए क्या है वो देख लो, समझ लो, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करना। और यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो सुपरवाइजर की पोस्ट के अंदर बेसिक पे 27,600 रहेगा, उसके अलावा अलाउंस वगैरह मिल जाएंगे, तो ये आपकी 40,000 से ज़्यादा का टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अंदर 21,540 जो है इनिशियल है, उसके बाद अलाउंस वगैरह ऐड करके ये भी आपका 35 से 40 के बीच में तो पहुंच ही जाएगा। सो सैलरी का कुछ इस तरीके से सिनेरियो है, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपको ये रिटन टेस्ट को क्रैक करना है, उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, इसकी लास्ट डेट 11th जून है, उसी के बेसिस पे आपकी सारी चीजें होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट सब कुछ उसके बेसिस पे होना चाहिए। बेसिक एज लिमिट है यहां पे, कोई टेंशन नहीं है, 27 से 28 इयर्स का यहां पे एज लिमिट है, तो आप में से हर कोई अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए 30 इयर्स है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और बाकी सबके लिए 28 एंड 25 इयर्स है, वही वो 25 इयर्स ITI वालों के लिए, तो आप टेंशन मत लेना, आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो जुलाई अगस्त दोनों में से किसी भी मंथ में होने वाली है, तो अगर आप अभी इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अप्लाई तो आप यहाँ पे 9th जून को भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप इसके लिए प्रिपरेशन कितनी कर पाओगे उस वही मैटर करता है।
करता है, क्योंकि वही आपको फाइनल सिलेक्शन देगा। जॉब अपडेट सुन के आपकी जॉब नहीं लगने वाली है, आपको प्रिपेयर करना होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सारी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी है, जो भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टाइम से इसका भी ध्यान रखूंगा। और एप्टीट्यूड 2.0 आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर पूरा एप्टीट्यूड कोर्स, एप्टीट्यूड टेस्ट पैक भी अभी इंक्लूड कर दिया है। सो मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया मौका है, अभी लॉन्च ऑफर है, 999 में आपको मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे इस चैनल पे जॉब अपडेट्स आती है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।